फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का और जो कोड है इसका सेट है वो 07 है। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पूरे क्वेश्चन पेपर को। आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे के सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करके मंगवा सकते हैं, उस लिंक को हम दे देंगे आपको। प्लस आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर साफ साफ फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसको रीड करना है और यहाँ पर रीड किए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से पूछे गए हैं तो आपको इनके आंसर्स देने हैं। द टाइटल ऑफ द पैसेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे ABCD आपको आंसर्स दे रखे हैं। इसके बाद में सेकंड है, अकॉर्डिंग टू गांधी वन कैन सर्व द सोसाइटी, तो वो क्या होता है, इसमें भी आपको आंसर्स दे रखे हैं, इसमें से चूज़ करना है। और गांधी नेवर बिलीव इन, तो डैश में क्या आ जाएगा, तो इसका भी आंसर आपको चूज़ करना है। इसके बाद में फोर्थ जो है आपका, जेंसी लिंक्ड आर्म विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल, सेलेक्ट द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस आपको इसका देना है। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन भी है आपका, इसमें भी चार ऑप्शंस हैं, इनको भी आपको कंप्लीट करना है। छठे क्वेश्चन में भी आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इसको भी आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये रीड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन पेपर्स दिखा रहा हूँ। मैंने अभी अभी जो है ये आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं उनको जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सातवां और आठवां क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आराम से पढ़ें और उसके बाद में अपने आंसर्स को दें। नाइन्थ क्वेश्चन है और टेंथ क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इनको भी पढ़ें और इनको भी आंसर्स आप दे दें। हमारी जो टीम है वो अभी फ़िलहाल छुट्टी पे है, नहीं तो आपको इसके सारे आंसर्स में प्रोवाइड करा देता। जो है लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ऑफिसेस जो हैं हमारे बंद हैं और अभी प्रायोरिटी में यही है बस कि आपको जितने हैं क्वेश्चन पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करा दें ताकि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको दिक्कत ना हो। किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बारहवा और तेरहवा क्वेश्चन आपके सामने हैं, चौदहवा क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, पंद्रह क्वेश्चन आपके सामने हैं और सोलहवा क्वेश्चन भी आपके सामने हैं। वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये रहा और इसके बाद में 19वां क्वेश्चन ये रहा आपका और 20वां क्वेश्चन भी आपके सामने है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है जहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनको देख सकते हैं और मैच करना है आपको जो करेक्ट आंसर जो क्या है। 22वें क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है करेक्ट, चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो आपको चूज़ करना है। 23वां क्वेश्चन है जिसमें आपको चूज़ करना है करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। 24वें क्वेश्चन में आपको चूज़ करना है पैसिव वॉइस जो कौन सा करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है चार ऑप्शन, इनमें से एक सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 26वें क्वेश्चन की बात करें, 27वें और 28वें की आपके सामने हैं, इनमें आपको जो जो पूछा गया है इनके आंसर्स आपको इन चार ऑप्शंस में ही ढूंढने हैं या सर्च करने हैं। इसके बाद 29वां और 30वां 31वां क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं और इसमें से अप्रोप्रिएट जो सोल्यूशन है उसको आपको अपने वो मार्कशीट में डालना है। 32 नंबर 33 नंबर आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए और इसके बाद में आपको करेक्ट जो चूज़ करना है, एक तो टू चूज़ करना है और दूसरा चूज़ करना है करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में 34 क्वेश्चन नंबर और 35 और 36 नंबर आपके सामने हैं, इनके आंसर्स भी आपको ABCD में से ही चूज़ करके देने हैं। 37वां और 38वां क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके भी आंसर्स आपको ऑप्शंस में ही चूज़ करने हैं, जो भी आंसर्स होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा और आप भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करेंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कोई दिक्कत ना हो। 39, 40, 41 आपके सामने हैं, इनके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन आपको राइट जो है आंसर फाइंड आउट करना है। 42 और 43 भी क्वेश्चन यहीं पर पूछे गए हैं आपसे और इनके आंसर्स भी आपको अपने हिसाब से चूज़ करके देना है। 44, 45 आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इनके भी चार चार ऑप्शंस हैं, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आपको दिखाना है अपने ओमार शीट में। 46 और 47 क्वेश्चंस हैं, इनमें भी आपके चार ऑप्शंस हैं, इनको सेलेक्ट करके आपको जो राइट ऑप्शन है उसको ओमार शीट में फिल करना है। इसके बाद में आ जाइए 48वां और 50वां कुछ 48 से लेकर 50 क्वेश्चन तक यहाँ पर जो दी गई है पैसेज, इसको पढ़ना है, इसके बाद में उसके आंसर्स देने हैं। सी विश्ड सी कुड बी
एडमिटेड मोर डीपली इंटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समबडी ही माइट टेक हर विद हिम थ्रू डियर फादर फॉरबिड इट एंड गियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन सी न्यू ही थॉट हर टू यंग एंड सी वॉज इम्पैटेंट। ठीक है, तो इसके बाद में आपको ये चार जो ऑप्शन हैं इनमें सेलेक्ट करना है। 49 में भी चार ऑप्शन दे रखा है, इनमें सेलेक्ट करना है, और 50 जो क्वेश्चन है इसमें भी एक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आ जाइए इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। पार्ट बी में जो सेक्शन ए है उसको क्या करना था, आपको 5 से 6 सेंटेंस में ईच के आंसर्स देने थे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सेक्शन बी के भी आपके 6, 7, 8 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इनको आप आराम से पढ़ें और इनके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको देने हैं। यहाँ पर भी आपका जो 5 से 6 सेंटेंस में ईच आंसर्स देने हैं। 9th और 10th आपके सामने हैं। 9th में पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है। कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ महात्मा गांधीज ये आपका मिनियंस। और 10th है वाइल हार्टेड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफिएबल स्पेशली ड्यूरिंग वॉज वॉट टाइम वॉट मेक्स ए ह्यूमन बींग राइज अबोव नैरो प्रिजुडिस। और सेक्शन सी में आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें भी आपके जो है क्वेश्चंस साफ साफ हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आई इमेजिनड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और इसमें ब्रैकेट में देखा टू ड्रोन टू स्विम और टू फ्लोट। तो आपको यहाँ पर जो है इसमें मीनिंगलेस जो है इसको आपको फ्रेजेस को सेंटेंस को करेक्ट करना है, मीनिंग्स जो है उसके करेक्ट करना है। इसी तरह से आपके ये 13, 14 भी क्वेश्चन हैं, इनको भी आपको देखने हैं। इसके बाद में रेक्टिफाई एरर्स करने हैं, जो इसमें एरर हैं आपको वो कौन सा एरर है और कौन सा करेक्शन है उसको आपको बताना है। और सेक्शन डी में जो पैराग्राफ है पैरा फ्रेज है इसको 6 to 7 सेंटेंसेस में आपको इसको पैरा फ्रेज करना है। और ये पूरा का पूरा जो है आपकी पोएट्री टाइप में है, इसको दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। और मैं आ गया था आपका जो है स्टडी द फॉलोइंग चार्ट इंटरप्रेट इन 6 to 7 सेंटेंसेस। सिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसको आपको जो 2 टेबल में है यहाँ पे समझा रखा है कि 10% क्या है, 60% क्या है, 28% क्या है, इनको आपको पहले पढ़ना है और इसको फिर आपको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। 19वें क्वेश्चन में यू आर संचित ड्राफ्ट एन ईमेल टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द ब्लड डोनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है। उसके बाद में आ जाइए सेक्शन ई में जो लास्ट जो क्वेश्चन हैं आपके 20 और 21। यू आर जूही जहीद जुनेद अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, एड्रेस इज़ टू द डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वसतपुर अहमदाबाद, राइट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। और 21वें में राइट एन एसे इन अबाउट 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, टॉपिक्स है बैन प्लास्टिक और योगा एंड मेडिटेशन ए वे ऑफ हेल्दी लाइफ। और ऑप्शन में आया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड साइंस डे प्रिपेयर ए स्पीच एज एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस फेयर एट योर स्कूल इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो आशा करता हूँ ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।